आज जो भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है उसके पीछे दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई है। 500 सालों से इंतजार करते करते 22 जनवरी 2024 का दिन बेहद अहम और ऐतिहासिक है। राजनीतिक दृष्टिकोण से बीजेपी ने अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उठा। भारत एट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उम्मीद है आप सभी ने भी आज दिवाली मनाई होगी। जी हाँ, 500 सालों का इंतजार जो खत्म हुआ है, अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हुआ। 500 सालों से इंतजार करते करते 22 जनवरी 2024 का दिन बेहद अहम और ऐतिहासिक है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने रामलला को टेंट से मंदिर में देखने की आस में अपने प्राण नौछावर कर दिए। जैसे त्रेता युग में भगवान राम के साथ वानर सेना थी युद्ध में, वैसे ही कलयुग में कारसेवकों की सेना ने अपने राम के लिए लड़ाई लड़ी और अपने प्राण तक दे दिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से बीजेपी ने अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया, लेकिन राम मंदिर नहीं बनवा पाए क्योंकि तेजी नहीं दिखाई, ना ही निमंत्रण देने के बाद भी वो लोग यहाँ पहुंचे प्राण प्रतिष्ठा में। और इसी बीच एक पार्टी तो ऐसी थी जिन्होंने राम सेवकों पर गोलियां तक चलवा दी थी, शायद आज भी उन्हें अपनी भूल का एहसास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी माफी मांगने के लिए लोग प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त में हुई, अभिजीत मुहूर्त था। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरा। सुबह से आज अगर आप पूरे हिंदुस्तान पर या कहीं कि विदेशों में भी नजर डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ राममय वातावरण नजर आया। इससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भले ही आपने कितने भी इतने सालों तक बीज नफरत के डालने की कोशिश की हो, लेकिन आज हिंदू एक था। आज हिंदुओं ने बता दिया कि चाहे वो कहीं भी रहे वो एक है, और आज 2024 जो है वो पूरी तरीके से राम के नाम का सैलाब है। आज जो भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है उसके पीछे दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई है। बहुत लोग ऐसे हैं जो उसके बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो उसके पीछे एक लंबी कानूनी लड़ाई के बारे में नहीं जानते होंगे। उन्हें बस इतना पता होगा कि 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और उसके बाद एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन ये लड़ाई महज कुछ सालों की नहीं है, ये लड़ाई युगों की है, ये लड़ाई है सदियों की, ये लड़ाई है सैकड़ों सालों की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर काफी चुनौती भरा रहा, बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था। जैसे राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था ना, और काफी कठिनाई उन्होंने देखी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम डगमगाए नहीं। जिस तरह से भरत ने अपना कर्तव्य निभाया, लक्ष्मण ने अपना कर्तव्य निभाया और शत्रुघ्न ने अपना कर्तव्य निभाया, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, तो उन्होंने आगे कर्म के पथ पर वो चलते रहे और साथ ही साथ मर्यादा के तहत आगे बढ़ते रहे। भरत क्योंकि अपने भाई से इतना स्नेह था तो उन्होंने कभी भी वो सिंहासन स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनके चरण पादिका की ही हमेशा से वो पूजा अर्चना करते रहे। लक्ष्मण, उन्होंने सारी जिंदगी अपने भाई के लिए गुजार दी, अपने भाई के चरणों में रहे, वो अपने भाई की सेवा करते रहे। शत्रुघ्न क्योंकि महाराज दशरथ के जाने के बाद माताएं अकेली थी और अयोध्या का राज्य भी संभालना था, वहां की प्रजा को भी देखना था, तो शत्रुघ्न अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण माता सीता, माता सीता राजकुल की बेटी, राजकुल में बिहाई, राजकुल में रहने का जो यहाँ पर पूरी तस्वीर निकल कर सामने आई थी वो पूरी ना हो सकी, क्योंकि माता सीता ने जो त्याग किया वो वाकई इतना मार्मिक था कि अगर आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि माता सीता एक राजा की बेटी, एक राजा की बहू, एक राजा की पत्नी, उसके बावजूद भी अपने पति के साथ वनवास निकल गई। वनवास के बाद उन्होंने उनका हरण हुआ, वो दुख भी उन्होंने झेला। उसके बाद जब वापस अयोध्या आई तो मिथ्या दोष लगाया गया और फिर वनवास चली गई। उन्होंने कोई भी सुख कभी नहीं देखा, तो उनके त्याग की चर्चा हर ओर होती है।
ये जो हम बात कर रहे थे राम मंदिर निर्माण का सफर बहुत चुनौतीपूर्ण था। कभी सरयू पूरी तरह से लाल हो गई थी कारसेवकों के रक्त से। बाबरी विवाद, अदालतों में चली लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू होना। अब देशवासियों का 22 जनवरी का इंतजार खत्म हुआ। बात है 1528 की। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनने से विवाद शुरू हुआ। इतिहास में लेकर आपको चलते हैं, किस्सा है 1526 से। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। दो साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। ये मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाबी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासक पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेजी हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। इसके बाद से रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हो गई। 1858 मीरा बाकी की मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक FIR दर्ज हो गई। अयोध्या रिविजिट किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। यह पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण है। इसके बाद तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा नमाज की इजाजत दी गई। अब बात हो गई 1885 की, जब अदालत पहुंची राम के लिए पक्के घर की बात। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंच गई, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का अधिकार है, लेकिन वे जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। मूर्तियों का प्रकटीकरण 1949। एक और जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आजादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी थी। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुम्बद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। 1950 आजादी के बाद पहला मुकदमा। ये वो दौर था जब देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद पहला मुकदमा हुआ। हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना करने की मांग कर दी। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग की गई। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की दायर की। ऐसा ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया था। 1959 निर्मोही अखाड़े ने पूजा अर्चना की अनुमति मांगी। 17 दिसंबर का दिन रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, ये उनका अधिकार है। मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। ये मुकदमा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया। कहा कि जगह मुसलमानों की है, अब ढांचों को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, ढांचों के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाए। ये मामला न्यायालय में चलते रहे। फैसलों की बात करें उससे पहले राम काज के लिए हुए कुछ और आंदोलन की तरफ चलते हैं। 1982 हिंदू धर्म स्थलों की मुक्ति का अभियान। 1982 की बात है, ये वो साल है जब हिंदू विश्व परिषद ने राम कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया और उनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान कर दिया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने का आंदोलन का फैसला लिया। 1986
परिसर का ताला खुला, मुकदमे की बात हुई तो फिर से कानूनी लड़ाई की ओर चलते हैं और बात फैसलों की करते हैं। एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के एम पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। अब फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर अपील खारिज हो गई। 1989 राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास जनवरी की बात है। प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजा कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा हो गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल ने शिलान्यास कराया। 1990 की बात है, आडवाणी ने शुरू की रथ यात्रा, आंदोलन को धार दी गई। 1990 के दशक में आंदोलन तेज हो रहा था। इस बीच सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल गए। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को और धार दे दी। देश की राजनीति तेजी से बदलती रही। आडवाणी गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन भी हुए। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी ज्यादा नहीं चली। नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आ गई। इन सब के बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना ये किस्सा पूरा नहीं हो सकता। बात 1992, विवादित ढांचा गिरा दिया गया, कल्याण सरकार बर्खास्त हो गई। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू की गई। केंद्र के तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार से अन्य राज्य की भाजपा सरकारों को बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा, उजुन में अनेकों लोगों की मौत हो गई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाने में ढांचा ध्वंस मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ ही रामकाज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या में एक और इजाफा होने लगा। 1993 दर्शन पूजन की अनुमति मिल गई। बाबरी ढहाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लग गया। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहाँ कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। 2002 की बात है, हाईकोर्ट में शुरू हुई मालिकाना हक पर सुनवाई। अप्रैल उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की। उच्च न्यायालय ने मार्च 5 को 2003 की बात है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंप दी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा होने की बात कही गई। अब साल 2010 की तरफ चलते हैं। 30 दिसंबर की बात है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री राम लला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थी उसे जन्म स्थान माना। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। ये भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हो तो वो भी इसके लिए तैयार है। साल 2017 में ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता की पेशकश की गई। अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। ये भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हो तो वो तैयार है। अब 6 अगस्त 2019 की बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू कर दी। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वही निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा ये भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध करा दे।
इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। अब बात करते हैं 2024 की। भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 134 साल चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम जन्मभूमि पर मंदिर के पहले चरण का काम पूरा हो गया। 22 जनवरी 2024 की वो ऐतिहासिक तारीख है जब मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 23 जनवरी से मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा और कहीं ना कहीं वो लोग अब अपने आप को संकुचित महसूस कर रहे होंगे जिन्होंने एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया था इस पूरे मामले को लेकर। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम समाधान है, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, और इसी ऊर्जा के साथ देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ना है। भारत एट 9 में आज के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।